हापुड़ पहुंचे मेरठ हापुड़ लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले अरुण गोविल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद हापुड़ के प्रसिद्ध मंदिर चंडी मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अरुण गोविल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धि गिनाई। पत्रकारों से बात करने के बाद वो पत्तेबाग गौशाला के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय हापुड़ का उद्घाटन किया। अरुण गोविल का कहना है कि मैं 21 साल तक मेरठ में रहा हूं, मेरठ का निवासी हूं, अब मुझे हापुड़ और मेरठ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, जिसको मैं बखूबी निभाऊंगा। अरुण गोविल ने बीजेपी के कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमन त्यागी, जनता टीवी, हापुड़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे चौधरी विजेंद्र सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए, जिनके समर्थन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बल जी भी वहाँ पर उपस्थित रहे। इसी दौरान अलीगढ़ शहर के पूर्व सपा से पूर्व जो है विधायक जफर आलम जी के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में तमाम अलीगढ़ की मीडिया उपस्थित रही। इसी दौरान प्रेस वार्ता के समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब मीडिया ने कुछ सवाल करना चाहे तो वह कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते रहे। इसी के साथ राज बब्बल जी ने बताया कि विजेंद्र सिंह हमारे बचपन के दोस्त हैं और हमारी करीबी ज़िले के हैं, उनसे हमें ज़्यादा लगाव है और अलीगढ़ से भी ज़्यादा लगाव है। इसी को लेकर उनके समर्थन में वह आए हैं आज। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए जैद ए खान की रिपोर्ट। उत्तर रेलवे के अयोध्या स्टेशन पर इन दिनों जो है भीड़ की स्थिति बहुत बढ़ गई है। जहां रोजाना 400 लोग आते थे, आज वहां 18,000 लोग पर डे आ रहे हैं और इसको लेकर रेलवे को अतिरिक्त प्रबंध करने पड़ रहे हैं। वहीं रेलवे के डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि 100 दिन के प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम किए जा रहे हैं। 200 करोड़ की एक्स्ट्रा अर्निंग हुई इस बार, जो एक रिकॉर्ड है। 3400 कर्मचारियों को जो है प्रमोशन किए गए, जो डिवीजन का रिकॉर्ड है। साथ ही जो बनारस से लखनऊ के लिए स्पेशल मेमू चलाई जा रही है, जो रामनवमी में लोगों के लिए खासी राहत देगी और आवागमन करने वालों को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने उल्लेखनीय प्रगति की है। करीब 434 करोड़ के जो अर्निंग की है रेक से, जो माल लदान का सबसे बड़ा काम है। जो हर साल जो है कम, जहां तक 36 रेक आते थे, इस बार 21 रेक इस बार आए और लोडिंग अनलोडिंग से भी बहुत फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर नॉर्दर्न रेलवे जो है बहुत लगातार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है और इस कीर्तिमान से अफसर उत्साहित भी हैं। और अफसरों ने आज ये भी जो है संकल्प लिया है कि अगले साल इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अर्निंग भी ज्यादा बढ़ाएंगे। यात्री सुविधाओं को लेकर के उन्होंने कहा है कि लखनऊ में जो है और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। बड़े स्टेशन जहां जाएं, लखनऊ में सेकंड इंडी तैयार हो रही है, जो एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा और 7 मंजिले भवन में जो है और बेहतर सुविधाएं की जाएंगी। आलमनगर से उतरठिया के बीच में जो है जल्द ही ट्रेनें भी चलने लगेंगी। अभी मालगाड़ियां चल रही हैं, उसकी भी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अभी तक आपने पुरुषों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा होगा, लेकिन गोरखपुर में आज पिपराइज थाना क्षेत्र के कबाड़ी रोड पे एक विवाहिता जो 3 बच्चों की मां है, वो बिजली के पोल पर चढ़ गई। आपको बताते चले, घंटों वो पोल पर चढ़ी रही, तत्काल बिजली विभाग के लोगों ने शट डाउन कराया और वहां घंटों चढ़ने के बाद लोगों ने समझा बुझाकर उस विवाहिता को नीचे उतारा। आपको बताते चले कि वो अपने पति से प्रेमी को साथ में रखने के जिद पर अड़ी थी और पति के इनकार करने पर वो पोल पर चढ़ गई। फिलहाल उस महिला को लोग समझा बुझाकर मामले को मैनेज करने में जुटे हुए हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। बाराबंकी जिले में नाली विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर व लाठी गुम्मे चले। फिलहाल पूरे मामले में दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के अमदहा गांव का है, जहां पर आज दोपहर दोनों भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। यह खूनी संघर्ष नाली विवाद को लेकर हुआ, जो काफी लंबे समय से चला रहा था।
इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर पर मसौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नाली विवाद के चलते यह मारपीट हुई थी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए सीएचसी बड़ागांव में भर्ती कराया गया है, जहां से सभी का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हुए इस खूनी संघर्ष में दोनों भाइयों के बीच जमकर जो टकराव हुआ, उसमें पुलिस की भी लापरवाही सामने आई। अगर नाली विवाद समय रहते सुलझा दिया जाता तो आज ये खूनी संघर्ष की नौबत ना आती। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। रोग मुक्त शोक मुक्त के तहत दो युवक पैदल पदयात्रा कर लोगों को कर रहे जागरूक, दे रहे जरूरी संदेश। आपको बताते चले, जनता कानपुर देहात के रसूलाबाद कस्बे प्रसिद्ध श्री रामगढ़ बाबा मंदिर में अम्बाला शहर के सनी कुमार व पंजाब निवासी संजीव कुमार ने पैदल यात्रा करते हुए धनगढ़ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोग मुक्त शोक मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि वृंदावन के गोपेश्वर ज्योतिर्लिंग से पैदल यात्रा का शुभारंभ किया और यात्रा से 270 किलोमीटर चल गए वो कानपुर देहात के रसूलाबाद के श्री धनगढ़ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनकी पदयात्रा करौली सरकार पहुंचेगी, जहां पर लोगों को रोग मुक्त शोक मुक्त के तहत संदेश दिया जा रहा है और पैदल यात्रा करके इस यात्रा के माध्यम से नए युवकों को संदेश देते हुए जागरूक किया जा रहा है। वहीं पर रसूलाबाद कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी संतोष गुप्ता सहित कई समाज नागरिकों ने उन दोनों यात्रियों को जलपान ग्रहण कराया और उन्हें आगे यात्रा में प्रेरित किया। अब देखना ये होगा कि लगातार संदेश दिया जा रहा है, इस संदेश का कितना असर युवाओं को पड़ेगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए एक तरफ कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आदर्श आचार संहिता और धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला संत कबीर नगर जिले के सदर तहसील से सामने आया है, जहां कृषि कार्य को लेकर तहसीलदार के द्वारा राजस्व कर्मी को समझाया जा रहा था और इसी बात को लेकर राजस्व कर्मी नाराज हो गए और राजस्व कर्मियों का एक गुट तहसील परिसर में ही धरना प्रदर्शन करने लगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बावजूद बिना किसी परमिशन के राजस्व कर्मियों के द्वारा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किए जाने लगा। हालांकि देखने वाली बात ये आएगी, सामने आएगी कि आखिरकार जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरह धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं सरकारी अधिकारी भी इस पर पलीता लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है और धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए किस तरह का ठोस कदम उठाया जाएगा। आज जनपद उन्नाव में जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, नेशनल हाईवे के किनारे जो अवैध अतिक्रमण था, उस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है नोटिस दी थी, उसके बाद भी अवैध अतिक्रमण जब नहीं हटाया गया, तब एसडीएम सदर प्रज्ञा पांडे के नेतृत्व पे कार्रवाई की गई है, जिस पर राजस्व टीम ने वहां पर मौके पर जाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया है। इस कार्रवाई से जितने भी अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनमें हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। रायबली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला रायबली जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मथुरा में रहने वाली महिला को डलमऊ क्षेत्र के रसूलपुर धरावा गांव का रहने वाला युवक हिंदू युवक बनकर उससे फोन पे बात करता था। यही नहीं, युवक ने महिला को शादी के लिए भी बोला और महिला को मथुरा से रायबरेली बुला लिया। महिला रायबरेली आई और रायबरेली में महिला के साथ लगातार कुछ दिन उसने दुष्कर्म भी किया। उसके बाद जब महिला को यह पता चला कि यह युवक हिंदू नहीं मुस्लिम है, तो महिला ने उसके साथ रहने से मना कर दिया, जिसको लेकर युवक ने महिला का एक असली वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत डलमऊ थाने में की। थाने में कोई कार्रवाई न होने की वजह से आज महिला रायबरेली एसपी ऑफिस आई और उसने अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह से अपना दुख दर्द बताया। वही मामला संज्ञान में लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले को क्षेत्राधिकारी डलमऊ के लिए प्रेषित कर दिया और उचित से उचित कार्रवाई की बात कही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।